अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदनान मनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान देसी टीवी। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अपने घरों में, अपने लॉन में या अपने रकबे में या किसी भी जगह अगर हमारे को पौधे हैं तो उसकी जगह हम फलदार पौधों को रवाज दें तो उसमें डबल फ़ायदा है। एक तो फल हमारे काम आ जाता है और दूसरा जो है वो हमारी छाँव के लिए और बहुत से फायदे जो है हम उससे हासिल कर सकते हैं। यह आज मैं आपको फार्म का विज़िट करवा रहा हूँ। ये हमारा एक तरफ नीचे आम का पौधा है, ये कमाद काश किया हुआ है। इसके साथ अगर आप देखें ये आम के पौधे हैं, ये देखें ये हमारे जो है अमरूद के पौधे हैं, ये देखें ये इन पर कईयों पर जो है अमरूद लगे हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। नीचे जो है अमरूद ख़त्म हो चुके हैं, ऊपर वाली तस्वीर में कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये अमरूद हैं, इस वक्त अपने रकबे के हिसाब से इसे साथ तरतीब दें। ये पीछे लगे हुए आम हैं, ये अमरूद के पौधे हैं, उसके साथ ही फिर ये आम है, ये जामुन का पौधा है। और सबसे बड़ी जो है वो आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि अपने अपने घरों में या लान में ये कम अज़ कम लीमू का पौधा लाजमी लगाए। ये देखें ये लीमू का पौधा, कितने माशाल्लाह लेमन लगे हुए हैं, भरा पड़ा है। ये चाइना लेमन है, देखिए ये आजकल ये फिश को मसाला लगाने के लिए, सलाद के लिए और भी बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। ये देखिए लेमन के तीन चार पौधे लगे हुए हैं और माशाल्लाह ये फल से भरे पड़े हैं। ये देखिए ये दूसरा पौधा है, ये देखिए कितना माशाल्लाह। अब चूँकि इसका खजान का एंड है, बाहर शुरू होने वाली है, तो इसके साथ अगर हम इस फल को अब तोड़ देंगे तो नेक्स्ट फल जो है वो भी लगना शुरू हो जाएगा। ये साथ ये देखें ये पौधा भी जो है लेमन का, ये पौधा चूँकि टूट चुका है, ये छोटा पौधा इसको कम लगे हुए हैं। उसके साथ पिछली तरफ पे जो है वो मीठे का पौधा है, वो पली तरफ आप पीछे देख रहे हैं वो बेरी का पौधा है, और साथ ये खजूर के पौधे हैं। यानी आप अपने रकबे में या अपने घर में या कोई भी अगर आपका छोटा सा लॉन है, पौधों के हिसाब से तरतीब दें कि एक लें आम का पौधा लगा लें, कोई एक अमरूद का, कोई एक ना वो तो आप एक लेमन का लगा लें। लेमन ये देखें खूबसूरती के हवाले से भी कितना है और माशाल्लाह फल के हवाले से भी कितना है, ये भरा पड़ा है। अल्लाह ताला इनके नसीब में करें। और साथ ही अभी इन्होंने जामुन का पौधा लगाया है, ये जामुन का पौधा ये भी छोटा है, ये भी इंशाल्लाह चार पाँच साल में जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इसकी ग्रोथ होती जाएगी तो ये फल देने के काबिल हो जाएगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज हमारी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। हमारे अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।